भैया क्या ओ बिल्लू भैया आपके ऑटो से लाली मानी निकल रही ना, ये देखिए मैं आपके लिए खास लेप लाया हूँ, इसको लगाते ही ये लिपस्टिक गायब हो जाएगी। रियली प्लीज ब्रिंग हिम। थैंक्स ब्रो। बिल्लू यार पूरे शहर में वो पुलिस फंक्शन के पोस्टर चिपकाने के लिए मैंने गोंद बाहर रखी थी, वो गलती से तू तो नहीं ले आया? मैं हो गई चमचागिरी। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैं चमचागिरी नहीं है, ये तो मैं अपने दिल से मन से हृदय से आत्मा से अंतर आत्मा से सवेरे सवेरे यहाँ पर्यायवाची पहनने की जरूरत ना है वरना जिंदगी का विरोम बना दूंगी मैं अर्ली मॉर्निंग। मोफी मैडम मोफी 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 मोफी। हाँ भाई गोपड़िया। ए गोपी ये अपना कमिश्नर साहब के यहाँ देने को गई थी मैंने, वो क्लोजर वाली फाइल बंदर वाले केस की दिया आया। कोई मैसेज दिया उन्होंने हमारे लिए? के मुंह से फूट कुछ बोले वो? ये बोल यार गोपी बोल ना गोपी यार, बन जुल्फों को खोल डाल, मैडम जो पूछ रही है बोल डाल, वरना तुझे तो पता है हमारी मैडम को एक बार गुस्सा आ गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना के, मेरा मतलब है जुल्मी करीना के, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, तुझे तो पता है ना यार। मैडम मैंने ना गलती से लिपस्टिक निकालने वाले लेप की जगह भैया को गोंद दे दी। अच्छा किया। वाव। मैडम 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 मैं बता रहा हूँ करोल बाग उदास हो रही है। अब करोल बाग उदास हो या कनॉट प्लेस खुश हो, किस सरिता बिहार में पीचू नाचे ना मैं क्या करूं? मैडम मैं कह रही हूं कि मैं है ना FIR लिखवाने आया हूं। करोल बाग उदास हो रही है। मेरा नाम है मनोज चड्डा, ऑटो स्टैंड है मेरा अड्डा, मैडम मैं चलाता हूं ऑटो, मुझे मत डांटो। क्या है ये? ओ बिल्लू। अबे ए, ना तू ये लिपस्टिक कहां से लगाया यार? दरअसल बात ये है कि कल रात को ना मैं अपने ऑटो में सो रहा था, बस पता ही नहीं कोई आया और ये लिपस्टिक लगा के चला गया मेरे ऑटो पे। ओ माय गॉड, हमारे हिसाब से तो ये केस हो गया था क्लोज इज द, लेकिन वारदात तो हो रही है रोज इज द। गोपी ने लिख के दिया मैडम। मैं भी यही सोच रही हूँ यो कैसे हो गया। मैडम वो सर्कस वालों का बंदर तो पकड़ के उन लोगों को वापस कर दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुलभूषण फिर से भागा हो? बुलाओ एक बार फिर जरा इन सर्कस वालों ने। डाल इसे अंदर। जी मैडम। चल। हाँ भाई क्या प्रोग्रेस है? हो रहा है थोड़ा थोड़ा,
खुल जाएगा मैडम थोड़ी देर में। नहीं इतनी कोई जल्दी भी ना है वैसे, एक दो साल तक ना खुले तो चलेगा। मेहरबान कदरदान सर्कस में आए मेहमान, आप सबका स्वागत करूँ छू, हूँ छू सोना मेकअप करने दोरा। अब देखो ये डॉगी साइकिल डांस कैसे बताता है। मैडम आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया इंटरवल में? अरे तुम्हारा जो बांदर है कुलभूषण न, वो कल रात कहाँ था? कुलभूषण तो सर्कस में ही था क्योंकि सर्कस हाउसफुल छे। कल रात किसी ऑटो वाले के मुंह पे लिपस्टिक पोत दी गई। और हमें शक है कि लिपस्टिक कुलभूषण ने पोती है। हाँ मैडम, लिपस्टिक कुलभूषण ने ही पोती है। भाईला, भाईला, ऑटो वाले को नहीं मेरे को। मैडम मैंने आपको कहा था ना कि कुलभूषण मेरा मेकअप मैन है, उसी ने रात को 11:30 बजे मुझे लिपस्टिक लगाई थी क्योंकि हमारा 9 से 12 शो चल रहा था और ये मेकअप के लिए उछल रहा था इंटरवेल में। और मैडम कल के शो की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, उसमें कुलभूषण ने ना हाउसफुल ऑडियंस को टोटल एंटरटेन कर रहा था। कैसे हो सकता है मैडम, मतलब अगर कुलभूषण सर्कस में था तो ये दूसरा कौन सा बंदर है जो ऑटो वालों को लिपस्टिक लगा रहा है? ठीक है तुम लोग निकलो। ओके चलो सोना बाय। ये बंदर दूसरा है जिसे हमने पकड़ना है। ये तो फिर से भाग गया मैडम। यार तो घना ईद का चांद हो रहा है आजकल, मतलब कभी कभी दिख है। उन्नाव में रहे ना थारी ड्यूटी? उन्नाव उन्नाव क्या करें, जो थोड़े बहुत आते थे अगर वो भी एक आधा एडीए ना आ रहे हैं दिमाग में अगर, तो परमानेंट करवा दूं ट्रांसफर थारा। आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्कन एडिया आ रहा है। तो पहले जख्म दूं फिर उस पे मिर्च और मक्खन छिड़कूं फिर देगा एडिया? हाँ तो दरवाजे के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए मैडम, एडिया ये है कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, उसी तरह बंदर बंदर को काटेगा। वेल कैरी ऑन मैडम। गोपी बोला और वो भी सही बोला। गुड आइडिया गुलगुले। थैंक यू मैडम। इसे एक बंदर को पकड़ने के लिए हमें 2 बंदर लाने होंगे। जब शहर में 2 दूसरे बंदरों को देख के यो बंदर बेचैन हो जाएगा, विचलित होके अट्रैक्ट होगा, इनके पास आ जाएगा, तब यो दोनों बंदर लिपस्टिक लगाओ बंदर ने पकड़ लेंगे। लेकिन मैडम वो 2 बंदर आप कहां से लाएंगे? अरे उस बंदर ने हमें किसी को अपने होंठ दिखाने लायक नहीं छोड़ा, ऑटो चला के गुर्र। क्यों भालू भोजपुरिया? हाँ नहीं तो क्या। और तुम्हें पता इसीलिए ये मैं डंडा लेके रोज रात में घूमता हूँ कि बस एक बार वो बंदर हमको दिखाई पड़े, अरे हम सूत सूत के उसका भुर्ता बना दूंगा। जिंदगी झन्नाटा है, हो गया सन्नाटा है। सुनिए ना, आगे चौक आ रहा है, वहाँ रोको ना चाट की दुकान पे, चाट के लाओ ना अपनी चटोरी बीवी को। कितने बुरे हो ना अपनी बीवी। कुछ हुआ था क्या? नहीं ऐसी मन किया था, चलो मैं कानी मरोड़ लूँ। तो फिर ये तो गलत बात है ना भैया, अभी मैं भूला भी नहीं और आपने मेरे कान मोड़ दिए। मैं भी इंसान हूँ, मैं बंदर थोड़ी ना। चुप कर। किसी ने देख लिया ना बंदर की ड्रेस में हम इंसान है, मार मार के चुपे ना मुंह लाल कर देगा। फटाफट मास्क पहन। Yeah.
ओबे उठ गेंडे और मारिए मैडम और मारिए बस बस मैडम बस कीजिए कितना मारेगी ऑटो चला के घुर और कूटा नहीं हमें और नहीं होती मैडम जी अब हम लोगों को पता थोड़ी था कि बंदर की खाल में वो दोनों हैं जिंदगी झन्नाटा है हो गया सन्नाटा है अरे मैडम जी अरे हम तो उन्हें ना बंदर समझ के पीट रहे थे मैं कह रहा हूँ करोल बाग उदास हो रही है क्यों बंदर क्या था रे बाप का माल है जो मार रहा था है? ना हिम्मत कैसे हुई किसी भी जानवर पे हाथ उठाने की बेगुनाह मासूम जानवरों पे हाथ उठाते और शर्म ना आती ऐसे भुजंगों के वो भी लठ लेके बंदर की ड्रेस के अंदर भी जान होती है अच्छा है कि हमारी मैडम के पास लाठी नहीं है वरना तुम लोगों की हड्डियां बोलती तार 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 वाह वाह मैडम ये सही आपका है वो बंदर आके हमारे मुंह पे लिपस्टिक लगा गया पूरे मोहल्ले में लोग हंस रहे हम पे मजाक उड़ा रहे हमारा और आप है कि हमें ही पीट रही है ऑटो चला के घुर और नहीं तो क्या मैडम जी है आखिर आप बताइए अरे पुलिस वालों ने अब तक उस बंदर को पकड़ा क्यों नहीं बताइए और पकड़ा भी तो सर्कस का बंदर मैं कह रहा हूँ करोल बाग उदास हो रही है अरे देखिए मैडम हम तीनों ने फैसला किया है कि हम आज के बाद ऑटो नहीं चलाएंगे ऑटो चला के घुर हाँ आज से ऑटो की हड़ताल हाँ मत चलाना ऑटो कर लो हड़ताल फिर भी रावणपुर में एक ऑटो चलेगा जिसे मैं चलाऊंगी और रही बात उस लिपस्टिक मैन की तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मैंने उसे ना पकड़ा तो हमारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं समझे तुम अरे चाय वाय पिलाओ इनको सिखाई करो ऑटो वाले सॉरी यार आइडिया कभी कभी फेल भी हो जाते हैं हो गया बेटर फील कर रहे हो हम तो भौजी संग होली मना लिया रे हम तो सैया से गाड़ी मंगा लिया रे भाई का बात हो गई आज तो कोई सवारी नहीं दिख रहा हमको रावणपुर में कोई ऑटो चल नहीं रहा है और सवारी भी नहीं है लगता है सब सो रहे हैं चलो हम सो जाएं हाँ? हम तो सैया से गाड़ी मंगा भाई गुड नाइट
बात है, लाठों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता ना कोई वार से। Countrymen's, Romans and Autowalas. Bhai, dukh bhara din bite, ye sukh aaye aur ek kyunki jis bandar ne utpat macha rakha tha tum sab ki life mein, matlab jo tumhe lipstick pot ke ekdam lal kar raha tha bandar, wo pakda gaya. And the good news is ki wo koi bandar na hai, बल्कि बांदर के अंदर खाल में एक इंसान से। तो आइए दोस्तों, मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। मेरा मतलब है, सब देखते हैं कि कौन है बंदर के अंदर, कौन लफंटर अभी लाया। बैठ करो, अभी तुम्हें बांदर चखाएगा अदरक का स्वाद। अबे चल उतार ही इसका मास्क। सोना, मेकअप करने दो ना इंटरवेल में। ओ बाप रे, आ तो सर्कस हाउसफुल छे। अरे इंटरवेल ना, इब दी एंड आ गया है। सबने बताइयो कांटे ने क्यों किया, क्यों लगाती थी आटो वाले पे लिपस्टिक। असल में मैडम, मुझे हीरोइन बनना था और मुझे एक फिल्म में काम भी मिल गया था, और उस फिल्म की शूटिंग के लिए मुझे विदेश जाना था। मुझे फोन भी आया था, तुरंत मुंबई के लिए निकलो वरना सब यूनिट विदेश चली जाएगी। मैडम, मैं घर पे से तैयार होके मुंबई स्टेशन के लिए रवाना हो रही थी, और जैसे ही बाहर निकली मुझे ये ऑटो वाला दिखा जो ऑटो में सो रहा था। मैंने कहा, भैया मुझे ना मुंबई की ट्रेन पकड़नी है, जल्दी से मुझे छोड़ दो। इसने मुझे क्या कहा, मुझे सोने दो, नहीं जाऊंगा। मैडम, मैंने कहा मुझे हीरोइन बनना है भैया, मुझे जाना है, जल्दी से छोड़ दो। इसने मुझे क्या कहा, बढ़िया हीरोइन बनने, लिपस्टिक लगा के शक्ल देखी अपने आईने में। मैडम मेरी ट्रेन छूट गई, मेरी किस्मत फूट गई। ये 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 और तने एक ऑटो वाले का बदला सबसे लिया। मतलब बताओ, यो कहाँ का न्याय है कि गलती एक करे और उसकी सजा सब भुगते। भाई वो जो ऑटो वाले होते हैं ना, जो घने मेहनती हो गए, दिन हो रात हो सबको अपनी मंजिल तक पहुंचावे, रात रात भर आंखों में तेल डाल के हैं, लोगों को अपने घर तक, इमरजेंसी में लोगों को अस्पताल, बस स्टेशन, यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ डोलते हैं, अपना घर बार छोड़ के सवारियां खोजते हैं। किसी एक की गलती और इन सबके साथ ऐसा, यो तो गलत से बेटा। भाई ऑटो चलाना सिर्फ एक रोजगार ना है, बल्कि एक तरह की समाज सेवा भी है। इसलिए ऑटो वालों की इज्जत करो, है नहीं?
सॉरी मैडम, मैं बदले की आग में पागल हो गई थी इंटरवेल में। नहीं मैडम, गलती मेरी भी है। नहीं, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए था कि मेरा काम है ऑटो चलाना, ना कि सोना। Yes! Well, चलो, अंत भला तो सब भला इस दा, बंदर कौन है सबको पता चला इस दा। भैया आपकी लिपस्टिक निकालने के लिए ना मैं एक नया लेप लाया हूँ। Yo, yo, yo.